खबर के प्रायोजक है महादेव मार्बल एंड ग्रेनाइट। प्रोजगु दादा राजस्थान वाले। 11 वर्षों से सुल्तानपुर की बड़ी बिल्डिंगों पर राज करने वाले महादेव मार्बल एंड ग्रेनाइट। मार्बल ग्रेनाइट की हर तरह की डिजाइन में वैरायटी उपलब्ध करें उचित रेट पर। पता महार चौराहा लखनऊ रोड सुल्तानपुर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। खबर है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में लेखपाल के बेटे ने कमाल कर दिया। बेटे ने PCS परीक्षा में 29वीं रैंक लाकर SDM के पद पर चयनित होकर न सिर्फ परिवार का मान बढ़ाया बल्कि अपने इलाके में नाम भी रोशन किया। आपको हम बता दें कि सुल्तानपुर के नगर कोतवाली के पांचों पीरन के रहने वाले राममूर्ति वर्मा पेशे से लेखपाल हैं। पढ़ने लिखने में काबिल रहे राममूर्ति वर्मा भी अधिकारी बनना चाहते थे लेकिन पारिवारिक स्थिति और कुछ अन्य कारणों से वे आगे नहीं बढ़ सके और लेखपाल बनकर अपना जीवन यापन करने लगे। उन्हीं के नक्शे कदम पर उनका बेटा अंकित भी निकल पड़ा। शुरुआत से ही अंकित पढ़ने में होनहार था लिहाजा लेखपाल पिता राममूर्ति वर्मा ने उसकी पढ़ाई से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इंटर तक की शिक्षा जिले के महर्षि विद्या मंदिर के कराने के बाद राममूर्ति ने अंकित को कोटा इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए भेज दिया जिसके बाद अंकित का सिलेक्शन पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित NIT कॉलेज में हुआ। वहाँ इंजीनियरिंग करने के बाद अंकित को अच्छा प्लेसमेंट भी मिला लेकिन पिता राममूर्ति उन्हें सिविल तैयारी करने के लिए प्रेरित किया जिसके बाद अंकित ने जी तोड़ मेहनत की और 2022 की PCS परीक्षा में इंटरव्यू दिया। बीती शाम जब परिणाम आया तो इनके परिवार की खुशी का ठिकाना ना रहा। अंकित ने इस परीक्षा में 29वीं रैंक हासिल की जिसकी बदौलत उनका चयन SDM के पद पर हो गया। आपको बता दें कि वहीं अंकित के सिलेक्शन की सूचना मिलते ही रिश्तेदार और शुभचिंतकों का घर पर तांता लगा रहा। हर कोई अंकित की इस उपलब्धि पर उन्हें और परिवार को बधाई दे रहा है। फिलहाल अपनी इस उपलब्धि से ज़्यादा श्रेय अंकित अपने माता पिता को दे रहे हैं साथ ही गुरुजनों का भी आभार व्यक्त कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट भोलू जहांगीर अपना सुल्तानपुर न्यूज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित वर्मा है। किसमें सिलेक्शन हुआ है जो खुशियाँ मनाई जा रही क्या है? मेरा सिलेक्शन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM के पोस्ट पे हुआ है। 29th रैंक है। UPPC 2022 की परीक्षा। किसको से देना चाहते हैं अपने इस सिलेक्शन में पढ़ाई में किसने लक्ष्य आपको दिया? इसका सर्वाधिक श्रेय तो मैं अपने विद्यार्थी और श्री माता और पिता को देना चाहूँगा जिन्होंने बचपन से ही मुझे इस दिशा में मोटिवेट किया और गाइड किया। मेरे पिताजी खुद भी बेहतरीन छात्र थे और उन्होंने लगातार माताजी के साथ मिलकर मेरा मार्गदर्शन किया। इसके साथ ही मैं अपने गुरुजनों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? राममूर्ति वर्मा। पेशे से क्या है? मैं पेशे से लेखपाल में अपनी तहसील सदर में लेखपाल पद पर कार्यरत हूँ। क्षेत्र हमारा हिमालय है। आपका लड़का SDM पोस्ट पे हुआ है तब सिलेक्शन हुआ और क्या कैसे उसको मार्गदर्शन आपने दिए? मैं शुरू में पढ़ने में कुछ अच्छा था। मैं सोचता था कि मैं कुछ साहब बनूंगा। संयुक्त परिवार होने के नाते ज़्यादा लोग पढ़ने वाले थे बाहर नहीं जा पाया। मैं स्कॉलर था तो मैं लेखपाल हुआ। अब से मेरे मन में था कि मेरा बेटा अगर पढ़ने में ठीक ठाक होगा तो मैं उसको साहब बनाऊंगा, SDM बनाऊंगा, DM बनाऊंगा। वही दिमाग में चलता रहा और बेटा मेरा उस काबिल था। उसको हमने यहाँ महर्षि विद्या मंदिर में पढ़ाया फिर NIT दुर्गापुर से BTech कराया। वो परफॉर्मेंस अच्छा देता रहा। अच्छा प्लेसमेंट होने के बाद भी हमने उसको कहा कि आपको कहा कि बेटा मैं मेरा ये सपना था उसको पता भी था तो कहा मैं आपका सपना जरूर पूरा करूं। क्या नाम है आपका? आपके लड़के का सिलेक्शन हुआ SDM पोस्ट पे, आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है? आप लोग के सारे लोग, घर वाले सब आ रहे हैं, सबके साथ बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल चल रहा है।